गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही बढ़िया, अच्छे, स्वस्थ होंगे। कि माया गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज है 28 अक्टूबर और दिन है शनिवार का। लगभग कितने बज रहे हैं कि माया, घड़ी में देख के बताओ। टाइम बताओ। तो लगभग सारे घर के काम हो गए हैं और इस समय मैं बना रही हूँ 11:30 मॉर्निंग के 11:30 हो रहे हैं और मैं इस समय बना रही हूँ सोयाबीन वाले चावल। और आज मुझे जाना है, थोड़ा सा काम है और मेरे साथ जाने वाली हैं क्या बोलूँ कि मेरे यूट्यूबर नहीं, मतलब एक्चुअली मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ उनकी मदर मेरे साथ जाएंगी। आज हम लोग, थोड़ा सा काम है हमें गाजियाबाद का, शॉपिंग का। तो बच्चे रहेंगे यहीं पर, वर्मा जी भी यहीं पर रहेंगे और मैं उनके साथ जाऊंगी। सुबह जाऊंगी, लगभग शायद 12-1 बजे तक हम लोग गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करके मम्मी के साथ थोड़ा सा मिल के उसके बाद शाम को मैं वापस आ जाऊंगी, लगभग रात ही हो जाएगी। अच्छा, वर्मा जी तो गए हैं किसी काम से और मैंने लगा दी है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं। कि माया कौन सी पिक्चर देख रहे हो बताओ। मैं देख रही हूँ भूत की पिक्चर। नाम बताओ। भूल भुलैया ना। हाँ। तो भूल भुलैया देख रही है। अच्छा, कि माया और अक्षत में बिल्कुल अंतर है। किम्मी को बिल्कुल डर नहीं लगता है, जितनी भी आप उसको हॉरर मूवीज दिखा लो, और बल्कि वो ना हॉरर मूवी को एंजॉय करती है जस्ट लाइक अ कॉमेडी मूवी। और अक्षत जो होता है वो इतना डरता है, वो छुप जाता है, इवन उस कमरे में ही नहीं आता। तो देखिए बच्चों में कितना डिफरेंस है, होता है, सब में होता है। अगर बच्चे हैं तो सब, बल्कि कहते हैं लड़कियां थोड़ा सा डरपोक होती है, ये होती है। कि माया को शुरू से हॉरर मूवी मजा आते हैं। अच्छा, तो तैयारी कर लेते हैं चावल बनाने की। मशीन में कपड़े धुल रहे, मैंने आपको बता दिया है, सारा काम मेरा हो चुका है। आज एक ट्यूशन था, उसको मैंने एक्चुअली उसको भी कल के लिए एक्सटेंड किया है, कल लूंगी इसकी क्लास। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, मेरा एक ना कुकर भी खराब हो रहा है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसको भी चेंज करके कुछ और ले लूं। और अब मैं नया कुकर निकाल लूंगी, बहुत मुझे ना छोटा लगता है और रखा है मेरे पास, कल मैंने पूरी सफाई करी थी तो वो मुझे मिल गया। बस 10 मिनट बचे हैं कपड़े धुलने में और हल्की हल्की धूप है इस समय। इधर किम्मी कर रही है एंजॉय पाइन एप्पल, और क्या खा रहे हो कि मैं पोमीग्रेनेट और पोमीग्रेनेट अनार। और इधर चल रही है भूल भुलैया। इधर मैं दे रही हूँ सबको खाना क्योंकि वर्मा जी आ गए हैं। दिखाती हूँ आपको चावल कैसे बने हैं, देखिए। ये देखिए चावल, देखिए तो कुछ समझ ना आया तो आप ये वाले चावल बना लो, बहुत ही बढ़िया बनते हैं चावल। और इधर है छाछ, चलिए कर लेते हैं खाना। तो ये है गरम गरम चावल।
पर मैं सेक रही हूँ पापड़। अच्छा ये जो पापड़ है ना बहुत ही हल्के हैं, लिज्जत वाले पापड़ हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, पर ये है कि बच्चों को अच्छे लगते हैं। बहुत ही पतले पतले हैं, जबकि मैं जब जयपुर जाती हूँ ना तो जयपुर से जो पापड़ लाती हूँ वो होते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ही हल्के हैं, जरा सी भी तेज आंच में एकदम से जल जाते एकदम। चलिए फ्रेंड्स, हो गई मैं रेडी और आ गया है फोन, नीचे गाड़ी आ चुकी है, अब मैं निकल रही हूँ। किमी बाय कर दो मम्मी को। बाय। किमी यही रहेगी और मैं शाम तक, ये शाम तक तो नहीं खैर, अभी फिलहाल 2 बज रहे हैं और पहुँचते पहुँचते ही 3 बज जाएंगे, तो लगभग रात हो जाएगी मुझे आने में। चलिए किमी, ध्यान रखना घर का बेटा, ठीक है? किमी का दिल छोटा सा और है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। क्या दिखाओगे मुझे? बनावा इधर। किमी भी आ गई, मैंने बोला बताया था ना आपको किमी नहीं आ रही है, तो किमी भी आ गई हमारे साथ। हम लोग पहुंच चुके हैं गाजीबाद और इधर आ गई है मम्मी। हेलो बोल दो सबको। बस अब हम लोगों को निकलना है बाजार के लिए और बाजार से करनी है कुछ सूटों की शॉपिंग। दिखाऊंगी आपको कि कहाँ कौन सी दुकान से ले रहे हैं। तो बेटी है, ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। भैया कैसे दिए ये वाली? 150। 150 का जोड़ा? 150 की एक है। दिखाना जरा फूलों वाली। 150 रुपए जोड़ा। गेट पे ना ऐसे लगाने के लिए, ऐसे सारे लगा दो। ये लेके कम हो जाएगा। ये कितने की भैया? 100 रुपए जोड़ा। 100 रुपए जोड़ा। घंटा घर आ गए। घंटा घर की मार्केट। ये लगातार पूरा चूड़ियों का मार्केट है। और ये जो शॉप्स हैं ये वाली, ये लहंगा साड़ी ये सारी इधर पूरा। ये जो मार्केट मैं आपको दिखा रही हूँ ये है गोल मार्केट घंटाघर गाजियाबाद। और ये जो सारी शॉप्स हैं, ये सारी शॉप्स हैं बच्चों के कपड़ों की, यहाँ पर बच्चों के कपड़े मिलते हैं। और जहाँ से मैं यशु और किमी के कपड़े खरीदती हूँ उसका भी मैं बता देती हूँ, वो शॉप है रमेश गारमेंट्स और एड्रेस है A46 गोल मार्केट घंटाघर गाजियाबाद। तो ये वो शॉप है जहाँ से मैं बच्चों के कपड़े खरीदती हूँ अधिकतर, और यहाँ से भी मैंने उनको भी अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने थे तो हम देख रहे हैं। अच्छा इस समय बहुत ज़्यादा कलेक्शन आया हुआ है शेरवानी का, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, भैया दूज आ रही है, और बहुत सारा कलेक्शन इस समय मार्केट में मिल रहा है। तो हमने भी काफ़ी कुछ देखा और ख़रीदा भी। ये जो मार्केट मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा मार्केट आपको स्टील के बर्तनों का मार्केट मिलेगा, मीन्स यहाँ पे सारी दुकानें बर्तनों की ही हैं। और ये भी गोल मार्केट घंटाघर की ही दुकानें हैं। और ये वाली शॉप भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ से आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं देख रही हूँ, उनको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हम आर्टिफिशियल कंगन देख रहे हैं, ये वारंटी वाले कंगन होते हैं, जब आपका मन भर जाए या पॉलिश खराब हो जाए तो आप इसको हाफ रिटर्न कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे 400 रुपए के कंगन है तो 200 रुपए में वापस रिटर्न हो जाते हैं और आप नए कंगन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी वैरायटी थी। और चलिए अब आ जाते हैं जो मेन आज का काम था, जहाँ से हमें सूट लेने थे। तो हमने काफ़ी मार्केट को एक्सप्लोर करा, या ये गोल मार्केट ही है और घंटाघर में ही हम लोग इस समय घूम रहे हैं।
समय हम लोग हैं गोल मार्केट, और गोल मार्केट में नाम क्या शॉप का? लक्ष्मी जी। लक्ष्मीपुरा क्या नाम है? लक्ष्मी फैशन हाउस। लक्ष्मी फैशन हाउस। और शॉप नंबर 11। शॉप नंबर 11 गोल मार्केट। तो मैं यहाँ पे सूट देख रही हूँ, थोड़ा सा कलेक्शन आपको दिखा देती हूँ। तो अभी हम गाउन का कलेक्शन देख रहे हैं, तो गाउन दिखाती हूँ मैं। अच्छा, एड्रेस मैंने आपको बता दिया है। नाम है शॉप का लक्ष्मी फैशन हाउस, और एड्रेस है D11 गोल मार्केट घंटाघर। और जो रेंज हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1700 से लेके शायद 2200-2300 तक की रेंज ये देख रहे हैं हम लोग। और सूटों का बहुत सारा कलेक्शन है, आपको आपके साइज में यहाँ पर बहुत सारे सूट मिल जाएंगे। जो गोल मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने सूट्स के लिए, साड़ियों के लिए। तो यहाँ पर मैं विनय शॉप पर बैठी हूँ, और एड्रेस है D12 गोल मार्केट घंटाघर। और यहाँ पर भी बहुत सारी हमने वैरायटीज़ देखी सूट की, बहुत सारा कलेक्शन था चिनॉन में, चंदेरी में, कॉटन में। और मतलब आप बस देखते रहें, आपका दिल नहीं भरेगा, एक से एक वैरायटी, एक से एक स्टाइल में आपको यहाँ पे सूट मिल जाएंगे। और रही बात कि क्या ये परफेक्ट आएंगे, तो देखिए परफेक्ट के हिसाब से माने तो कई बार आपको इसकी लेंथ एडजस्ट करानी पड़ती है, कई बार आपको थोड़ा सा शोल्डर में दिक्कत आती है, स्लीव्स में दिक्कत आती है, या प्लाजो की या पैंट्स की लेंथ में दिक्कत आती है। तो अल्ट्रेशन लगभग आपको करानी ही पड़ती है जब आप रेडीमेड कपड़े या रेडीमेड क्लोथ की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर जो रही बात रेंज की, तो रेंज यहाँ पर लगभग 2000 से 2500 के बीच में ये रेंज है सारी, और साथ के साथ 10% इस पर डिस्काउंट भी मिल रहा था। पर हाँ, भीड़ भाड़ बहुत थी क्योंकि इस समय त्योहारों का सीजन है। घंटाघर के फेमस समोसे। भैया पैक कर दो, चार ले लो। भैया चार समोसे ले लो। भैया सब्जी जो है ना दो जगह पैक करिए भैया, चार चार की। एक तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर समोसों के लिए, लाइन लगती है। नाम क्या है? श्री बालाजी। पैक कर दीजो क्या? चलो कैसा, सही है? खस्ता कचौड़ी खिला दी अभी, खस्ता कचौड़ी। क्यों किम्मी के समोसे चल रहे हैं। गाजियाबाद। चाय पी जा रही है शाम की। शॉपिंग करे ना करे, पर खाना टाइम से, चाय टाइम से। चाय कैसी लगी? अच्छी। चाय कैसी लगी? चाय कैसी लगी? घंटाघर की रामलीला। ये सारा घंटाघर पूरा। बंदर तो ये पूरा है घंटाघर, सब्जी मंडी घंटाघर वाली लेन है ये पूरी। तो हम लोग जा रहे हैं इस समय तो रामनगर की तरफ, और देखने हैं कुछ सूट, क्योंकि जिन जो मेरे साथ आए हैं उनके घर में भी शादी है और हमारे यहाँ भी शादी है, तो शादी का इस समय सीजन है।
और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है लेडीज़ को कपड़ों की, मन नहीं भरता कपड़ों से। तो ये पूरा तुराम नगर है, तुराम नगर की एंट्री, और एज यूजल हमेशा की तरह भीड़। अच्छा, जो गाज़ीबाद है वहाँ पर जो फेमस मार्केट है वो घंटाघर और तुरामनगर है। बाकी चौपला मंदिर जो है वो ज्वेलरी के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी मिलती है चौपला मंदिर पे। और ये जो दो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, नवनीत गिफ्ट पैलेस, ये बहुत ज़्यादा एक ही, और इसके एक सामने वाली ये जो शॉप है इसका नाम भी बता देती हूँ, कृष्णा। ये दोनों ही दुकानें बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर सारे गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं। और थोड़ा सा हम आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें देखनी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बहुत ही बड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है। और मैंने भी यहाँ से काफ़ी सारे आर्टिफिशियल सेट खरीदे हैं, अभी जैसे कि शादी है घर में उसके लिए भी खरीदे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल कंगनों की रेंज। अच्छा, जो कंगन है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर क्वालिटी और वैरायटी वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। ये देखिए दिवाली की रौनक, कितनी दिवाली की रौनक है। ये देखिए क्या कलेक्शन है, मतलब मुंह ही ना लगाना पड़े। चलो किमी, भीड़ कैसी है बाजार में? बहुत किमी एंजॉय कर रही है, किमी को लग रही है। तू क्या खाएगी किमी? बता दो, छोले कुलचे। अच्छा, इस समय जो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा है बाज़ारों में, क्योंकि करवा चौथ, दिवाली और साथ के साथ जो शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, जो शादियां 23 नवंबर से शुरू हो रही है, क्योंकि उस दिन देव उठनी काशी है। और यहाँ पर मैं रंगोलियाँ देख रही हूँ, यहाँ पर 50 रुपये से लेके 150 रुपये तक की रंगोलियाँ हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बस एंड है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट। और अब मैं आ चुकी हूँ दिल्ली, पूरे बज रहे हैं एग्जैक्ट 12:05 रात के, मतलब अगले दिन के। गई थी मैं 28 तारीख को और वापस आई हूँ 29 तारीख को। और जो शॉपिंग करी वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं लिया, सिर्फ शॉपिंग करानी थी। और मिलती रहूंगी इसी तरीके से आपके साथ और नए नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।